पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर कुछ एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है, जिसमें कोरापुट में 26 मिलीमीटर और अनुगुल डिस्ट्रिक्ट के थलचर में 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हाईएस्ट मैक्सिमम डे टाइम टेम्परेचर में बोध और बोलांगीर का 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भुवनेश्वर में 36.8 डिग्री सेल्सियस और कटक में 36.2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तो उड़ीसा में 9 जो हॉटेस्ट प्लेस हैं उसमें बोलांगीर, बोध किला, झारसुगुड़ा 41.4, बारीपदा 41 डिग्री सेल्सियस, तितलागढ़ 41 सेल्सियस और अन्य सोनपुर, अनुगुल, थलचर, संबलपुर, जिनमें 40 से 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर 24 आवर चेंज की, तो बोलांगीर में सबसे ज़्यादा 2.5 डिग्री सेल्सियस का चेंज दर्ज किया गया है, थलचर, छतरपुर, रायगढ़ में 2 डिग्री सेल्सियस, भुवनेश्वर में -0.4 और कटक में -0.3 डिग्री सेल्सियस का 24 आवर चेंज देखा गया मैक्सिमम टेम्परेचर में। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। अगले 5 दिन के वेदर फोरकास्ट में उड़ीसा के कुछ डिस्ट्रिक्ट के एक दो स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है अगले 5 दिन तक, जो कि आगे हम देखेंगे मैप में। डे 1 में यानी कि आज मयूरभंज, बलासोर, भद्रक, केन्द्र, कंधमाल, रायगढ़, गजपति, कोरबुट, मलकानगिरी के डिस्ट्रिक्ट में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसी तरह डे 2 यानी 11 तारीख को मयूरभंज, गंजम, रायगढ़, गजपति, कोरबुट, मलकानगिरी में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस तरह डे 3 यानी कि 12 तारीख को मयूरभंज, बालासोर, केन्द्र, रायगढ़, गजपति, नवरंगपुरा, कोरबुट, मलकानगिरी में और डे 4 यानी 13 तारीख को मयूरभंज, केन्द्र, अनुगुल, ढेंकनाल, बोध, कंधमाल, रायगढ़, गजपति और कोरापुट में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की थंडर शावर होने की संभावना है। डे 5 यानी 14 तारीख को नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा के साथ साथ मयूरभंज, केन्द्र, अनुगुल, ढेंकनाल, सुंदरगढ़, बोध, कंधमाल, कालाहंडी, रायगढ़, नवरंगपुरा और नयापाड़ा में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और थंडर शावर होने की संभावना है। और जो डे 1 के लिए मयूरभंज, रायगढ़, गजपति, कोरबुट, मलकानगिरी में थंडर स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग होने की संभावना है, उसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। इस तरह डे 5 यानी 14 तारीख को मयूरभंज, बालासोर, केन्द्र, ढेंकनाल, अनुगुल, बोध, कंधमाल, कालाहांडी, नवरंगपुर और नवापाड़ा में भी येलो वार्निंग दी गई है एक दो स्थानों पर थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग के साथ होने की। अब अगर बात करें टेम्परेचर के फोरकास्ट की, तो अगले 5 दिन तक मैक्सिमम टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकेगा और भुवनेश्वर का जो तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।